नोट्स आप मत, ये मत बिल्कुल दिमाग में मत लगेगा जाना कि एक घंटे 45 मिनट की क्लास है तो जब एक घंटे 45 मिनट खत्म हो तो हमारा नोट्स पूरे कंप्लीट है उस चैप्टर के या उस दिन के, नहीं, आप में एक्स्ट्रा उसमें 30 मिनट या 40 मिनट डालने पड़ेंगे तब जाके नोट्स कंप्लीट होंगे। किसी भी बात की चिंता, दुख, दर्द, कुछ पीड़ा मन में, कोई डाउट लेकर मत बैठो। बोलते ना फिल इन द ब्लैंक्स बन जाए, और वो ब्लैंक मुझे भरने का मौका दीजिए, मैं अच्छे से भर दूंगा। सारी बातें वो करेंगे जो तुम्हारे लिए जरूरी है, तुम्हें रिलैक्स रखने के लिए जरूरी है, तुम्हें मोटिवेट करने के लिए जरूरी है, सारी वो बातें करेंगे। घबराओ मत, नोट्स आप मत, ये मत बिल्कुल दिमाग में मत लगेगा जाना कि एक घंटे 45 मिनट की क्लास है तो जब एक घंटे 45 मिनट खत्म हो तो हमारा नोट्स पूरे कंप्लीट है उस चैप्टर के या उस दिन के, नहीं, आप में एक्स्ट्रा उसमें 30 मिनट या 40 मिनट डालने पड़ेंगे तब जाके नोट्स कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा 30-40 मिनट लेके चलिएगा प्लीज। एंड एट लास्ट, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, रीड दिस स्टेटमेंट, अपनी सारी चिंता, परेशानी, दुख, दर्द गिव इट टू मी। समझ में आएगा नहीं समझा, सारा का सारा दुख, परेशानी, चिंता सब मुझ पर छोड़ दीजिए प्लीज, ठीक है, सारा का सारा। किसी भी बात की चिंता, दुख, दर्द, कुछ पीड़ा मन में, कोई डाउट लेकर मत बैठो। बोलते ना फिल इन द ब्लैंक्स बन जाओ, और वो ब्लैंक मुझे भरने का मौका दीजिए प्लीज, मैं अच्छे से भर दूंगा उसको। तुम्हारा क्या, वो ब्लैंक के ऊपर बहुत सारी चीजें तुमने जमा रखी है तो मैं उसमें भरूंगा, जगह ही नहीं है। समझ में आया, तो एकदम ब्लैंक होके आइए। सारी बातें वो करेंगे जो तुम्हारे लिए जरूरी है, तुम्हें रिलैक्स रखने के लिए जरूरी है, तुम्हें मोटिवेट करने के लिए जरूरी है, सारी वो बातें करेंगे। घबराओ मत, माई प्रॉमिस। एक नई स्टेटमेंट जो आपके सामने हर दिन लेके आऊंगा, क्योंकि होता ना कई बार हम लिखी हुई चीजें पढ़ते हैं, एक बार पढ़ी नहीं समझ में आई, दूसरी बार पढ़ी नहीं समझ में आई, तीसरी बार पढ़ी नहीं समझ में आई। सर 10 महीने 11 महीने जितने दिन आप हमें पढ़ाने वाले हो, रोज ये स्टेटमेंट अगर आपको दिखेगी शायद समझ में आ जाएगी, नहीं भी समझ में आएगी तो कम से कम दिमाग में तो रहेगी। इट इज नॉट अबाउट एंड रिजल्ट, इट इज ऑल अबाउट जर्नी। सिर्फ इतने से नहीं होता कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, वो तो बाहर वाले लोग हैं। सर हम जर्नी को एंजॉय करने आए, आज हमने बहुत सारी बातें सीखी, कल जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, कुछ में फेल होंगे, कुछ में ट्राई करेंगे, कुछ में सक्सेसफुल होंगे, यही तो सिखाना है, नहीं समझे। तो इट इज नॉट अबाउट एंड रिजल्ट, जेई में सिलेक्शन होता है या नहीं होता है उसके बारे में कभी मत सोचो, जर्नी के बारे में सोचो, डेली बेसिस पे दिए गए कार्यों के बारे में सोचो, एंजॉयमेंट के बारे में सोचो, टीचर से इंटरेक्ट करने के बारे में सोचो, कंटेंट के बारे में सोचो, अपने आप के बारे में सोचो, और सोचते सोचते परेशान मत होना, हमेशा इसको ध्यान रखना है।